ए बादे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, ए बादे सबा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, सलियाना बिछाना राहों में हम दिलिये बिछाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर हफ्ते हमारे यहाँ पे साइंस प्रैक्टिकल के लिए ब्यास जी से साइंटिस्ट हैं, पता है ना? Yes, किसकी जानिब से होते हैं? मैरी एनजीओ की तरफ से। ये एनजीओ है, उनके मेम्बरान जो है एक एक करके आके आपको अलग अलग टॉपिक्स पे देते हैं। तो आज उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा कदम हमने उठाया है कि न्यू बॉम्बे एसोसिएशन की, साइंस क्लब के एसोसिएशन की तरफ से कुछ मेम्बर्स हमारे आए। तो मैं मैरिट के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए हुए मेहमान का तारुफ कराएं, उनका इंट्रोडक्शन कराएं। मैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, आपने सुना है टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, यहाँ पे देवनाथ बस डिपो के आगे एक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था है, वहाँ पे प्रोफेसर हूँ। और उसके अलावा मैं मेरिस मुंबई एजुकेशन रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग करके एक संस्था हमने शुरू किया है। ये संस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम एजुकेशन के ऊपर स्कूल्स चलते हैं और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ाने का कुछ मदद करें और हायर एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स को या बच्चों को मदद देने का एक कोशिश हम कर रहे हैं। इस दरमियान हम नवी मुंबई साइंस एजुकेशन फाउंडेशन से हमने कॉन्टैक्ट किया, तो हमने सोचा कि ये साइंस एजुकेशन का थोड़ा और बढ़ावा देना ज़रूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट आपको इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम भी, हमारा हौसला भी बढ़ जाएगा और आपका भी इंटरेस्ट इसमें हम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और इस प्रोग्राम में हमने सोचा कि कुछ बेसिक सिंपल एक्सपेरिमेंट्स ये जो नवी मुंबई से आए हुए जो टीम है वो लोग आपके सामने पेश करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा इंटरेक्शन भी करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज ये हमारे साथ है नवी मुंबई साइंस फाउंडेशन का चेयरमैन डॉक्टर भागवत सर। डॉक्टर भागवत सर, बीआरसी का एक इम्पोर्टेंट डिवीजन आरएसएस का जो डिवीजन हेड थे, तो बाद में रिटायर होने के बाद साइंस को लोगों की तरफ पहुँचाने के लिए उन्होंने एक एनजीओ बनाया और एनजीओ के लिए बहुत सारे से बहुत काम कर रहे। जैसे हम लोग इन्वेट से आए कि ईमेल से थ्रू हम लोग इन्वेट किया, तुरंत आप लोगों के लिए क्लासेस लेने के लिए ये प्रोग्राम के लिए वो आने के लिए रेडी हुआ। और दूसरा हमारे साथ है डॉक्टर बाबू साहब हैं। बाबू साहब भी टीआरसी का एक डिवीजन हेड, आरती अभी नाम से एक डिवीजन हेड है, उनका रिटायर, उनका डिवीजन हेड थे और अभी रिटायर हुआ है। और हमारे साथ है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली एक वर्किंग साइंटिस्ट हो टीआरसी का, अभी हमारा एक कैप्टनशिप मिलने के बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उनका कोऑर्डिनेटर बने, वो मैं सबको वेलकम करता हूँ आपकी तरफ से, मदद की तरफ से। थैंक यू। आपके चीफ गेस्ट बेटा भगवत सर के शान में एक फूलों का नजराना पेश करना चाहते हैं और उनके लिए शेर आज है, मेरी जिंदगी का मकसद सभी के काम आओ, मेरी जिंदगी का मकसद सभी के काम आओ, मैं चिरागे रह गुजरूं मुझे शौक से जलाओ। डॉक्टर बाबू की खिदमत में भी फूलों का नजराना, जो कि रिटायर्ड साइंटिस्ट है, और मैं उनके लिए शेर करना चाहूँगी। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। हमारे मैरिट के प्रेसिडेंट जनाब पीके शाहजहां सर, उनके लिए शेर है, मैं झुक जाऊँ किसी मुश्किल के आगे, मैं झुक जाऊँ किसी मुश्किल के आगे, ये मेरी फितरत में शामिल नहीं है। मोहम्मद अली सर की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें और मैं सर के लिए भी शेर अर्ज करना चाहूँगी। न मिला है न मिलेगा मुझे आराम कहीं, न मिला है न मिलेगा मुझे आराम कहीं, मैं मुसाफिर हूँ मेरी सुबह कहीं शाम कहीं। मैं यहाँ पर
नवी मुंबई साइंस फाउंडेशन की तरफ से आया हुआ हूँ और आपको कुछ बहुत सिंपल प्रयोग करके दिखाऊंगा। ये प्रयोग इतने सिंपल हैं कि आधे से ज़्यादा आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई बड़ी बहन, छोटा भाई छोटी बहन, माता पिता, जिनको भी थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट है उनको आप दिखा सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ वो प्रयोग की इतनी खुशी होगी, इतनी ही खुशी होगी कभी, ठीक है। अच्छा, अभी प्रयोग करते समय मैं क्या करूँगा, हर एक प्रयोग में कहीं एक या कहीं दो बच्चे लगते हैं, ठीक है, तो मैं उनको बुलाऊँगा यहाँ, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ जादू कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मैं एक बार करके दिखाऊँगा और वो बच्चे आपके सामने आएंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, अभी यहाँ पर कभी मिल जाते हैं, अभी 60-70 बच्चे बैठे हुए हैं या ज़्यादा ही होंगे थोड़े से, तो इतने सब बच्चों को तो एक के साथ एक बुलाया तो भी नहीं होगा, सब कहोगे होंगे। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा एक बार एक एक्सपीरियंस में आया वो दूसरे एक्सपीरियंस में कोई बच्चा ना आए, राइट, सो सम अदर। और अच्छा, मैं क्या करूँगा, एक्सपीरियंस के लिए बच्चों को बोलूँगा हाथ ऊपर करिए, ओके, और फिर आपके लिए प्रिंसिपल मैडम यू कैन डिसाइड कि भाई कौन सामने आके मुझे मदद करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे, यस सर। पहला एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें मेरे पास में एक प्लास्टिक की बैग है, तो बैग बनाने के लिए क्या किया है, ऐसे लंबा शीट लेकर उसको ऐसा डबल किया और दोनों तरफ अपना स्टेपलर होता है ना ऑफिस में, स्टेपलर तो आपको मालूम होता है, वो लगाकर बैग बनाया है। तो एक में होल आ गया, दूसरे साइड में ये स्टेपलर आ गया, तीसरे साइड पर भी स्टेपलर लगाए हैं। तो यहाँ पर बैग को एक छोटा सा माउथ है, राइट, इस माउथ में मैं ये ट्यूब फिक्स करूँगा और उसमें अपने को हवा भरना है। तो उसमें दो बार हवा भरना पड़ेगा, एक बार मैं बताऊँ उसमें ऐसा मुँह बिल्कुल ट्यूब में लगा रहेगा, ये एंड ये जो सिरा है वो उसके अंदर जाएगा और दूसरा बिल्कुल मुँह से लगा रहेगा, दूसरी बार मुँह में और इसमें कुछ अंतर है। अब जस्ट स्टार्ट, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। अभी मुंह में और बैग में थोड़ा अंतर है, ट्यूब में और मुंह में, पहली बार उनको 10 बार ब्रीदिंग करना पड़ा, राइट, 10 सांसें अंदर लेना। अभी कितनी आपकी उम्मीद है, कितनी बार उनको सांस लेना करना, 30, 20, 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 20
कुछ अलग है ऐसा कोई प्रयोग हो सकता है जो बच्चों ने पहले देखा हुआ है, राइट? ऐसा हो सकता है इतने बच्चों में से किसी ने देखा हो तो वो मुझे प्रयोग करने के पहले हाथ उठा के बता सकते हैं ये प्रयोग किसने देखा है, उसको हम यहाँ पे बुला लेंगे। इसकी वजह क्या है, प्रयोग होने के बाद में ये ऐसा प्रयोग क्यों होता है ये बताने उसकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि देखा हुआ है उसके ऊपर सोचा हुआ होगा, बराबर है? ठीक, तो अभी समझ में आएंगे। जिंदगी में
जिंदगी में हार को हमेशा जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं है। मेरे उम्र के हिसाब से मैं आपके ग्रैंडफादर के बराबर हूँ, सो आई वुड लाइक टू ब्लेस यू आल्सो। इरादे हो टूटे सजे हर तमन्ना, खुशी में हमारी भी आवाज सुनना, तुम्हें और क्या दोगे इसके सिवा, तुमको हमारे उम्र देते हैं। भागवत सर आपको कितने आसान तरीके से फिजिक्स के प्रिंसिपल समझाए, जैसे विजन एक आँख से देखना, दो आँख से देखना, और इल्यूशन इल्यूशन में छोटा या बड़ा देखना, और मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट, ये सब बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, ये लोग आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, और मैं इसके लिए सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। निवेदन करता हूँ, दो शब्द बताएं, बात करें इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक डॉक्टर भागवत फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू नो समथिंग अबाउट दिस बेसिक साइंस एक्सपेरिमेंट्स, एंड आई ऑल्सो थैंक ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस स्कूल फॉर कंडक्टिंग सच ए वंडरफुल एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स for particularly for students. Now one thing I want to tell you, for students three important things are there. One is the keeping the mind cool and calm, and doing the proper exercise, and third one is proper food at proper time. These are the most and important basic thing all the students must follow for their progress in their future. Yeah. This is very very important and very essential also. Of late, we are deviating from these three basic fundamentals. And students throughout their career, they have to follow these fundamental principles about their life. Thank you. Aaj ke speakers, Mr. Dr. Mangal sir, Janab Subhagu, मोहम्मद अली सर, उनकी पूरी टीम, यह हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि ऐसे साइंटिस्ट जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनके दिल में ये जज्बा है कि बच्चों की तालीम को हम और आगे तक लेके जाएं और आप लोगों को साइंस से रूबरू कराएं। जितने आसान से तजुर्बे के ज़रिए आप लोगों में इतनी बेहतरीन मालूम फराहम की है जो हम लोगों को पता नहीं होती, हम करते हैं एक्सपेरिमेंट लेकिन उनकी वजूहत हम बता नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने एकदम आसान तरीकों से हमको बताने की कोशिश की है, और आप उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आए, आप अपने छोटे भाई बहनों को ये करके दिखाएंगे, किताबें वापस से जाके पढ़ाएंगे, और इससे ही मिलते जुलते और तजुर्बे आप लेकर आएंगे। नेक्स्ट टाइम सैटरडे के इसमें हम हर बार उसको लेना कुछ कोशिश करेंगे देखने के लिए, और जैसे कि सर ने हम लोग बुलाए हैं वहाँ नवी मुंबई में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमने साइंस एग्जीबिशन में भाग लिए थे उसमें से बेस्ट हम जिनको जाना है या और कुछ नया करना है तो वहाँ पर भाग लेके हिस्सा बनेंगे उनके, और देखेंगे कि और क्या मालूम हमको मिलेंगे। यहाँ पर ये पूरी टीम आने के लिए मैं हमारी मैनेजमेंट, हमारे टीचर्स और बच्चों की तरफ से तहे दिल से सर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर, इस तरह से छोटी बच्चों से मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम ऑफ मेरी सलाम सर सॉफ आपके सारे टीम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इंतजाम करने और गेस्ट बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। हम लोग नेशनल एंथम के साथ हम लोग एंड कर लेते हैं, तो एवरीवन आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम ऑफ स्टार्ट।